उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जुलाई 2021 में दफन गौरव कोरी के शव को उसकी मां की शिकायत पर 11 माह बाद कब्र से निकाला गया। गौरव की मां की फरियाद पर न्यायालय के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को निकाल कर पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 304 समेत विभिन्न धाराओं में 3 लोगों को नामजद कर SDM लालगंज की मौजूदगी में कब्र खोद कर शव को निकाला और पोस्टमार्टम कराया। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि अदालत के आदेश पर सागीपुर थाने में गांव के ही 3 लोगों पर IPC की धारा 304 समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और SDM लालगंज की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया गया है। 11 माह बाद शव के नाम पर महज कंकाल ही बचा था। देखिए, थाना सांगीपुर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में, जिसमें कि मुकदमा अपराध संख्या 101/22 ये पंजीकृत किया गया था। ये धारा 304 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज के द्वारा की जा रही है। और विवेचना के क्रम में समीक्षक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करके शव को बाहर निकाला गया है और इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि कॉज ऑफ डेथ आइडेंटिफाई किया जा सके और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जा सके।